गाइज आज हम जा रहे हैं राइस स्लिप बीच, जो कि एक क्या है आर्टिफिशियल बीच या आर्टिफिशियल बीच है लंदन के अंदर। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं और उसके रिव्यूज हमने काफी सुने हैं, तो आज हम वहां एक्सप्लोर करेंगे चीजें, बीच को एक्सप्लोर करेंगे, बेसिकली किस तरह का बीच बनाया हुआ है, और देखते हैं वहां पे एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहां का नजारा। तो या दिस इज द फॉरेस्ट व्यू जहां से हम जा रहे हैं अभी, और आपको मैं व्यू दिखाऊंगा वहां पे पहुंच के कैसा है। और तो मिलते हैं वहां जाके। वैसे यहां पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, थोड़ा सा पैदल तो चलना पड़ेगा और एटलीस्ट 1 माइल तो आपको चलना पड़ेगा। तो अभी वहां पे पहुंच के आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो आज हम वहां पे फुल एंजॉय करने वाले हैं, बैग वैग हमने पूरा भर लिया है खाने के साथ, फुल डे मस्ती चलेगी वहां पे और आपको वहां का नज़ारा दिखाऊंगा। से हाय। हाय। यस। तो गाइज मिलते हैं वहां पे और दिखाते हैं वहां का नज़ारा। गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे राइस स्लिप बीच पे, आप देख सकते हो, और मैं आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा अभी, नज़ारा जो है, खाने पीने का माहौल भी पूरा सेट है यहाँ पे। गाइस बच्चों के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ करने के लिए, फुल एंजॉय कर सकते हैं बच्चे और फैमिली भी पूरा एंजॉय कर सकती है यहाँ पे। ये हमारा जैक स्पैरो वाला जहाज आ गया है, देख सकते हैं आप लोग।
यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्नर है, आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हैं हम लोग, और जब में खाएंगे भी। नज़ारा ले रहे हैं पूरा पानी का देख सकते हो। प्लैनेट्स के हिसाब से सब बनाया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो आप। लो भाई लोग, तो बच्चों और बड़ों के लिए भी यहाँ पे पूरा प्रोग्राम सेट है। कर सकते हो आप ये सब भी चीज़ें आके, जिम में भी कर सकते हो, ओपन जिम काइंड ऑफ। आई एम जस्ट गोइंग टू द अदर साइड।
मतलब खाने पीने का प्रोग्राम भी है, और यहाँ पे आप पिज्ज़ा विज्ज़ा भी खा सकते हो, एवरीथिंग दैट यू वांट, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और प्रॉपर सेटिंग है व्यू का नज़ारा लेते हुए, ओ भैया आइसक्रीम और आ गई एक और। गाइज़ ये एक तरह से टापू है जिसको बोलते हैं, छोटा सा आइलैंड, यहाँ पे लोग इन्जॉय करते हैं। पानी तो साफ़ है वैसे, तो आप देख सकते हो जनता काफ़ी इन्जॉय कर रही है यहाँ पे बैठ के, हर तरह की, पूरा अपना टेंट वेंट सेट कर लिया बंदों ने और खेल भी रहे हैं, और बच्चे तो भाई पूरा पूरा इन्जॉय कर रहे हैं। जिस चीज़ का इन्जॉय करना कर सकते हो आप यहाँ पे, साथ में ही जंगल पार्क है, जंगल है, तो एडवेंचर भी है काफ़ी। गाइस यहाँ पे ट्रेन का सफ़र भी कर सकते हो आप, छोटे से बच्चों के लिए, सबके लिए है। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने घर, और आज हमने आपको दिखाया राइस लिप के बारे में, क्या नज़ारा था वहाँ का, बहुत इन्जॉय किया आज हमने। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी चीज़ें हैं खेलने के लिए, और बड़ों के लिए भी हैं, जैसे कि आप बीच का एंजॉय कर सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल बीच बनाया हुआ है वहाँ पे, और ट्रेन है एक बनी हुई वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, और पार्क अच्छे हैं, जंगल एरिया है, तो एडवेंचर भी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो
अच्छा लगा। खाने पीने का माहौल बहुत ज़्यादा है, वो भी आप खा पी सकते हो वहाँ पे, और आइसक्रीम वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा व्यू है वहाँ पे, इंजॉय कर सकते हो वन टाइम वहाँ पे आप जाके देखिए। और सबसे जो अच्छी बात नहीं हुई हमारे साथ वो हुआ कि हम चले गए सीधा राइस स्लिप और वहाँ पे उतरे हम बस से, और उसके बाद हमने सीधा पैदल चलते गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा पोपट बन गया, क्योंकि सीधी बस वहाँ से थी H37 जो कि डायरेक्ट जाती थी, सॉरी H13 आई थिंक दैट वॉज बस का नेम, जो मैं ये सब डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा कि क्या कहाँ से आपको जाना है, कौन सी बस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और दूसरी बात यह है कि खर्चा वहाँ पे जाने का कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप आराम से 8-10 पाउंड में वापस आ सकते हो हर एक फैमिली के साथ, और वहाँ पे फ्री है सब कुछ, सिर्फ जो ट्रेन का है, जो वहाँ पे छोटी सी ट्रेन बनाई हुई है जो पूरा आपको बीच का सर्कल लेके जाते हैं, सारी चीज़ें दिखाती हैं साइड बाय साइड, तो उसका थोड़ा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ साथ में, वो आप वीडियो में भी देख सकते हो, और उसका प्राइस जो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, और काफ़ी अच्छा था, इन्जॉय किया हमने पूरा दिन अपना, और होपफुली आपको भी अच्छा लगे ये वीडियो, अगर अच्छा लगे तो हिट द बेल आइकन, अगर नहीं लगे तब भी हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू लेट्स टूगेदर।